मामले में आज भी ये केवल कोई कर सकता है, 32 के आधार का मानक को कोई पूरा कर सकता है या इतने लोगों की भावना कोई कर सकता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय उन्हीं का ये भूमि पुत्र करके दिखाएगा और हमारी ये तैयारी। नहीं, मैंने ये कहा कि जिसकी जांच चल रही है, आज शराब घोटाले पर ईडी छापेमारी कर रही है, तो जिस विभाग से ताल्लुकात इनका बना दिया गया, कहीं ना कहीं इनके ऊपर आरोप लगाने का पीछे के दरवाजे से कहीं ना कहीं तैयारी हो रहा है। जिला प्रमुख का सम्मेलन था हमारा और शपथ ग्रहण समारोह होता है। हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज रूप से कोई भी चुनाव को लड़ने का या फिर संगठन को तैयार करने का हम लोगों ने एक कार्यक्रम तैयार किया है और हम सभी कोशिश करते हैं कि जहाँ चुनाव लड़े वहाँ के प्रत्येक गाँव के प्रतिनिधियों का एक कार्यक्रम तय हो और उनके एक जवाबदेही के साथ राजनीति करने के लिए प्रेरित करें। एक जवाबदेही के साथ इनका चयन होता है पार्टी के पिलर मेंबर के रूप में, सबसे निचले पायदान के लीडर के रूप में, और जिस केवल वोट नहीं, वोट के अनुपात में उस परिवार के साथ राजनीतिक जुड़ाव और भविष्य में भी उस परिवार की आवश्यकता का नेतृत्व करना, ये दायित्व इनका था और आज इसी दायित्व का आज हम सभी लोगों ने शपथ ग्रहण किया है। इतनी तादाद में हम लोगों ने तो 9000 कुछ संख्या थी चुल्ला प्रमुख को उनको बुलाया था, लेकिन आज पूरा डोमरी चंद्रपुरा नवाडी उमड़ के हर परिवार और गांव के लोग आ गए थे। बारिश हुआ, बारिश को हम शुभ मानते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद का स्वागत किया है और शायद आज का सबसे ज़्यादा ज़रूरत अंतिम जाते जाते लोगों के खेत में कुछ पानी आ जाए, ये ज़रूरत था, सबसे बड़ा ज़रूरत था। आज बारिश हुई, बारिश के बाद भी लोग भींग के डटे रहें, 1.5-2 घंटा बारिश के बाद भी डटे रहें और लोगों ने इस कार्यक्रम को पूरा किया है और आगे जो हमारा बचा से इस 14 दिन हमारी तैयारी है कि टोटल 70 पंचायत में करीबन 1,00,000 लोगों के साथ सीधे संवाद करने के लिए हम जाएंगे। आपने बहुत सारी गंभीर बात कही है। मैंने ये कहा डुमरी से लेकर जो आंदोलन की बात आपने कही, कई रूप से कटाक्ष किया आज जेएमएम पर, नहीं ये आप मानते हैं कि जेएमएम महतो को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का काम किया? नहीं, ये शुरू से नेतृत्व उभरने ना देना, ये पूरा इतिहास खोल के देख लीजिए, कभी भी वो चाहते नहीं, ये नेतृत्व चाहता नहीं, चूंकि ये विनोद बाबू और निर्मल बाबू के विचार का झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा नहीं। अब ये जो नेतृत्व है, ये नेतृत्व कभी भी उसको अनुपात में अधिकार देगा नहीं और कोई भी नेतृत्व को ठहरने नहीं देता है। विनोद बाबू से धोखा से शुरू कर लीजिए, वहाँ से लेकर अंतिम जहाँ तक सुनील दा का शहादत है वहाँ देख लीजिए, निर्मल दा का शहादत देख लीजिए, हमारा आप एक घटना, राजनीतिक घटना देख लीजिए, जब सुधीर बाबू मुख्यमंत्री थे नहीं रहने के बाद उनकी को उनकी परिवार को किस तरह से जलील किया गया था, जो राज्यसभा के लिए जिनको नामित नाम को तो हटाया गया और मुझे नहीं लगता है कि महीना भर भी बीता होगा और ये नाम कहीं ना कहीं ये पटना के गुप्ता जी को दे दिया गया था। तो ये घटना है, इतिहास है। आपका आज झूठ बोल सकते हैं मंच में खड़ा होकर, लेकिन इतिहास झूठ नहीं बोलता, यही इतिहास है और इस इतिहास को खोल के रखना हमको लगता है कि आज का दायित्व है और ये काम आज भी चल रहा है। कहीं ना कहीं नेतृत्व के पीछे से किसी और तरीके से ये काम चल रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी एकजुट होकर इसको, इस समाज को आगे जाने से रोकना चाहती है। आपने ये भी देखा, हाँ देखा, ये हैसियत, राजनीतिक हैसियत होता है ना, राजनीति में जिसकी जितनी हैसियत होती है वैसी भागीदारी होनी चाहिए। आज बताओ, जिस एकल समाज का सबसे ज्यादा भागीदारी इस प्रदेश में है, उसकी हिस्सेदारी क्या है, हमारे हिस्से क्या है? हमें औकात में रखा गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इतने बड़े समाज को औकात में रखा है, यही सच्चाई है। और आपने देखा कि आज 11 मंत्री हैं, 11 मंत्री में शेड्यूल कास्ट मंत्री कहाँ है? एक इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा आबादी को शेड्यूल कास्ट का एक नेतृत्वकर्ता पूरे मंत्रिमंडल में नहीं है, इसका जवाब देने बोलिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।